जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल कि लब आजाद है तेरे, यही कहा जाए, प्रधानमंत्री जी बोलिए। और जानते हैं आप सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि प्रधानमंत्री जी असल मुद्दों के जवाब ना दें, असल पत्रकारों के सवाल का जवाब ना दें, इसके लिए पूरी कोशिश की जाती है। अब आप बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जिसे बीजेपी अपने होमग्रोन चाणक्य मानते हैं, उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाह डालिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक पत्रकार ने बड़ी हिम्मत करके सवाल किया कि राहुल गांधी आपसे यह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो जवाब में देखिए अमित शाह ने क्या कहा। संदीप जी जवाब देंगे राहुल जी का। तो अमित शाह कहते हैं कि इस सवाल का जवाब संबित पात्रा देंगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अमित शाह ने इसके जरिए तौहीन किसकी की, राहुल गांधी की कि साहब मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, और ऐसे किसी भी सवाल का जवाब संबित पात्रा देंगे, या तौहीन उन्होंने संबित पात्रा की, या उससे भी बड़ी बात, क्या अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर रहे थे? मैं जानता हूं ये सुनने में आपको अटपटा लगता है, मगर ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर देश का प्रधानमंत्री सवालों का जवाब ना दे। और देखिए मैं बात मन की बात की तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मन की बात में दिक्कत यह होती है कि ट्रैफिक एक तरफा होता है, यानी कि आप अपने मन की बात तो करते हैं, मगर देश की जहन में जो चल रहा है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। यानी कि न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, और यही पीड़ा देश की जनता में बनी हुई है। आपके सामने मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, are you worried? That's enough. Pardon me. इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और CNN के रिपोर्टर जिम कॉस्टा में टकराव होता है। जिम कॉस्टा उनसे तल्ख सवाल करते हैं, ट्रंप उनके साथ निहायत ही, जिसे कहा जाए, बदतमीजी से या गुस्से में बात करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जिम कॉस्टा का व्हाइट हाउस का प्रवेश पत्र उनसे छीन लिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि CNN ने इसके जवाब में क्या किया? उसने घुटने नहीं टेक दिए, उसने व्हाइट हाउस पर मुकदमा ठोक दिया। Is there any precedent for a White House revoking the press credentials of a journalist? There is no case like this that we've found. I've spoken with multiple media lawyers about this. There's almost no precedent for a news organization suing the White House either. ये पहली बार है जब किसी न्यूज एजेंसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर मुकदमा ठोक दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके पक्ष में कोई नहीं आया, तो आप गलत सोच रहे हैं। फॉक्स न्यूज के बारे में कहा जाता है कि वो प्रो ट्रंप है, यानी ट्रंप का समर्थक है, मगर फॉक्स न्यूज भी CNN के समर्थन में उतरी। यह है वहां पत्रकारिता में एकता। मगर भारत में तो पत्रकारों को इस बात को लेकर भी कोई आपत्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। यहां तो मैंने कुछ पत्रकारों को यह कहते सुना है कि साहब प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं। तो जब देश के पत्रकार मन की बात सुनकर संतुष्ट हो जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देखिए मोदी, असल पत्रकारों के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। अब मैं आपको दो मिसालें देने वाला हूं। पहली मिसाल, इमरान खान, जब करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, तो उस वक्त भारतीय पत्रकारों के सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिए थे। तो जब इमरान खान भारतीय पत्रकारों के सवाल दे सकते हैं, तो मोदी जी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि साहब मोदी जी का दर्जा तो इमरान खान से कहीं ऊंचा है, कम से कम भक्त तो ऐसे ही मानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या आपत्ति है? और अब दूसरी बात दोस्तों, हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब ना दें, इसके लिए कई तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी काम करती है। जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, तो क्या आप जानते हैं उन्होंने पहली चीज क्या की थी?
उन्होंने पहली चीज ये की थी कि जो विदेश यात्राओं पर जाते हैं यानी कि एयर इंडिया वन में बैठ के जाते हैं, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था कि जो तमाम पत्रकार उनके साथ जाया करते थे उन्होंने उन्हें हटा दिया और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि देखिए मोदी जी ने पत्रकारों को उनकी औकात बता दी। वो पत्रकार जो विदेश जाकर ऐश करते थे उन्हें मोदी जी ने एकदम उन पर अंकुश लगा दिया। दोस्तों ये सरासर गलत है। क्या आप जानते हैं कि जो पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ उनके विमान में जाते हैं उन्हें वहां पर रहने का और खाने का अपने जेब से देना पड़ता है, उन्हें सिर्फ एक चीज का पैसा नहीं देना पड़ता है, वो है जो प्लेन में, क्योंकि वो एयरफोर्स या एयर इंडिया वन में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के प्लेन में बैठे हुए हैं, लिहाजा उसका उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता। और मैं आपको बताता हूं कि इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या होता था, क्योंकि जैसे ही कोई विदेश यात्रा खत्म होती थी तो अंत में प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है जहां उन्हें पत्रकारों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने एयर इंडिया वन से पत्रकारों को इसलिए उतार दिया ताकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पड़े, ताकि उन्हें सवालों के जवाब ना देने पड़े। मगर हो क्या रहा है दोस्तों कि पिछले 4-4.5 सालों से आपको कुछ भी कह दिया जाता है और आप बड़ी मासूमियत से उसे मान लेते हैं। कम से कम मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर ये जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं उनकी बात का विश्वास ना करें। सवाल करें अपने प्रधानमंत्री से और मोदी जी, जैसा कि हमारा शो भी है कि बोल कि लव आजाद है तेरे।